बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो में काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक आ रहा है, क्या कहना चाहोगे इस ट्रैक को? लेकिन रूही, अबीरा सारे लोग परेशान है और आप भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? परेशान तो है ही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब ये टर्म आ जाती है रिश्ता क्या कहलाता है तो परेशानियां तो साथ में आती ही हैं। रिश्तों में अगर आपके परेशानियां ना हो, दुख ना हो, तो रिश्ते फीके हो जाते हैं। तो रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे होने चाहिए। तो हमारे भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो स्टोरी है वो बहुत खट्टी मीठी सी चल रही है। इमोशनल ब्रेकडाउन रूही का होता है। रूही मुझे और अबीरा को एक प्रॉक्सिमिटी वाले सीक्वेंस में देख लेती है, हमें क्लोजनेस में देख लेती है, तो उसे बहुत हर्ट होता है, एज़ वो अरमान से बहुत प्यार करती है, तो वो रोती है, चिल्लाती है, अबीरा पे चिल्लाती है, और कहीं ना कहीं वो ये बोल देती है कि तुमने मेरा अरमान मुझसे छीन लिया है। तो आई फील बैड फॉर हर, और अबीरा के लिए भी बुरा लगता है। अरमान अपनी दादी सा से प्यार करता है, किसी से नहीं। ओके, शो की टीआरपी काफ़ी अच्छी आ रही है, लगातार टॉप 3 में आप शो दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मतलब जब शुरुआत की थी शो को लेके तब इतना नहीं था, लेकिन अभी फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आ रहे हैं। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, अच्छी चीज़ें वक्त लेती हैं, तो जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है लोगों का प्यार भी हमारे लिए बढ़ता जा रहा है, और आई होप आगे आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जनता से ऊपर कुछ नहीं होता, ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं, हम भी नहीं हैं, कोई नहीं। ओके, आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? देखते रहिए रिश्ता क्या कहलाता है, 9:30 बजे स्टार प्लस पर। थैंक यू।